आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्याजो इलेक्ट्रिक ऑटो और महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटो। तो दोस्तों दोनों ऑटो का कंपैरिजन करेंगे और होनर रिव्यू करेंगे दोस्तों वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिएगा लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले प्याजो आप्या ECT इलेक्ट्रिक ऑटो। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिएगा लाइक। इससे हमें दोस्तों मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी जानकारी लाने के लिए आप लोगों के लिए। तो देर ना करते दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों सामने की प्रोफाइल की बात करते हैं दोस्तों। तो देखते हैं सामने का प्रोफाइल कुछ प्रकार देखने के लिए मिल जाता है आपको। काफ़ी गाड़ी का लुक काफ़ी बेहतरीन लगता है और कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी बेहतरीन लगता है दोस्तों। देख सकते हैं साइड इंडिकेटर काफ़ी बेहतरीन दोस्तों साइड में निकला हुआ, और यहाँ पे हाइलोजन में लाइट मिल जाती है आपको, और इंडिकेटर भी हाइलोजन में मिल जाता है दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो इसका वाइपर है जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, पतला है लेकिन ठोस क्वालिटी है दोस्तों। यहाँ पे मिल जाता है आपको नंबर लगाने के लिए प्लेट के लिए सुविधा जगह, और यहाँ पे इसकी आप्या की बैजिंग मिल जाती है। और यहाँ पे जो मेडिगार्ड मिलता है वो आपको फाइबर मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे फाइबर में दोस्तों मेडिगार्ड मिल जाता है। और इसकी सारी बॉडी जो मिलती है आपको आयरन लोहे की मिल जाती है। और यहाँ पे देखते हैं सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है दोस्तों, स्प्रिंग और सस्पेंशन काफ़ी स्मूथ और झटके लगने वाला नहीं है दोस्तों। और इसमें रीजेनरेटिव सिस्टम दिया गया है, जो आप ब्रेक लेते हैं तो आपकी मेन बैटरी चार्ज होती है। तो देखते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप्या ECT की बैजिंग मिल जाती है आपको, देख सकते हैं। और यहाँ पे लाइट और इंडिकेटर देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन, इंडिकेटर तो काफ़ी बेहतरीन लगता है दोस्तों, और गाड़ी भी काफ़ी बेहतरीन है देख सकते हैं आप लोग। साइड प्रोफाइल भी इस प्रकार देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों सीट जो भाई ने अलग से बनवाया है, अभी बिल्कुल नई नहीं, अभी भाई ने गाड़ी निकाला है। और ये अभी कितनी चल रही है, कितना किलोमीटर चल रही है, मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है कि इसमें देखते हैं दोस्तों काफ़ी लंबी सीट मिल जाती है, और आगे भी भाई ने अपने तरफ से लंबी सीट लगवा दी हैं तो काफ़ी बेहतरीन है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों पीछे का, मैं सीट के पीछे का दिखाता हूँ, कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आप 4-5 बैग आराम से लगा सकते हैं साइड में खड़ा करके, तो कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलता है। और वहीं दोस्तों ड्राइवर एरिया की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाता है आपको ड्राइवर एरिया। और दोस्तों यहीं पे आपको मिल जाता है GPS सिस्टम, जो आप कहीं भी ट्रैक कर सकते हैं आपकी गाड़ी कहाँ पे है। अगर कोई ड्राइवर को आप गाड़ी दे रखें चलाने के लिए तो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप वाइपर, हज़ार लाइट और यहाँ पे सभी सुविधा मिल जाती है आपको। और यहीं पर दोस्तों हॉर्न मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर हॉर्न और सभी यहीं मिल जाता है आपको, तो कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। इसमें हाथ का ब्रेक नहीं मिलता है, एक ब्रेक मिल जाता है जो आपको पैर से यूज करना होता है। और वहीं पे आपको मिल जाता है ब्रेक वाइल, और नीचे ब्रेक मिल जाता है, और सामने बोतल रखने के लिए पानी की सुविधा जगह मिल जाती है आपको। और वहाँ पे दोस्तों म्यूजिक मिल जाता है आपको, एक इस साइड और एक दोनों साइड में आपको म्यूजिक मिल जाता है। तो वहाँ पे एक बॉक्स मिल जाता है जो आप छोटा मोटा सामान कैरी कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पर भी जगह मिल जाती है आपको सामान रखने के लिए। और यहाँ पर गियर मिल जाए दोस्तों, आप यहाँ से गियर चेंज कर सकते हैं। तो इसमें एक गियर दिया गया है, जो हैंडल के अंदर गियर नहीं है, गियर साइड में दिया गया है। तो और एक म्यूजिक इस साइड में मिल जाता है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एपेक्स इलेक्ट्रिक की बैजिंग दी गई है, तो कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाता है पीछे का प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आप्या ECT की बैजिंग, और यहाँ पे नीचे दिया गया है प्याजो। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इंडिकेटर लाइट, ब्रेक लाइट यहाँ पे, और यहाँ पे आप्या ECT की बैजिंग, प्याजो की बैजिंग दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलता है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों भी वही उसी प्रकार से देखने को मिल जाता है, यहाँ पे एक नीचे नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह मिल जाती है आपको। और नीचे की ग्राउंड एरिया की बात किया जाए तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलता है, देख लीजिए आप लोग। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। और इस साइड का प्रोफाइल कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, यहाँ पर भी आपको बैजिंग मिल जाती है इलेक्ट्रिक की, और गेट दोस्तों दोनों साइड से ओपन हो जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पे सामान रखने के लिए, और छत काफ़ी बेहतरीन मिलती है दोस्तों, छत छत में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कपड़ा काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का मिलता है, जो आपकी छत पूरी टाइट रहती है। जैसे और भी ऑटो में ढीली ढाली सी छत इसमें नहीं मिलती आपको, तो देख सकते हैं कितना टाइट छत आपको देखने से ही मालूम चल रहा होगा। भी काफ़ी मीडियम में है, ज़्यादा बेहतरीन तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी थोड़ा और मजबूती देना चाहिए था भाई कंपनी वालों को, तो थोड़ा हो सके तो और मजबूती दिया जाए इस गाड़ी को,
दोस्तों देख सकते हैं ड्राइवर एरिया का, यहाँ पे हैंड ब्रेक मिल जाता है और यहाँ पे चिल्लर रखने की जगह और यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग के लिए जगह मिल जाती है। बात करेंगे दोस्तों तो देख लीजिए सामने से कितना बेहतरीन गाड़ी देखने के लिए मिलती है आपको। और यहाँ पे दोस्तों मैं साइड प्रोफाइल में दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे एफएक्स इलेक्ट्रिक की बैजिंग देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन डिजाइनिंग में। और यहाँ पे टायरों की बात कर लीजिए दोस्तों तो टायर 120/80 का टायर मिल जाता है दोस्तों इसमें आपको, देख लीजिए आप लोग 120/80 का टायर मिल जाता है। और तीनों ही टायर मैं दिखाता हूँ आपको, तीनों ही टायर में सेम मिल जाता है, इस साइड का भी सेम ही है दोस्तों। और आगे का टायर मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ तो यहाँ पे भी दोस्तों 120/80 का टायर मिल जाता है दोस्तों, तीनों टायर सेम मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों, तो देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप किस जगह से देख रहे हैं, कौन से ज़िले से देख रहे हैं, किस गांव से देख रहे हैं, आप लोग कमेंट में अपने ज़िला गांव का नाम और शहर का नाम ज़रूर बताइएगा तो मुझे इससे मालूम चलेगा कि आप मेरा वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। और आप लोगों को किस गाड़ी के ऊपर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि भैया ये गाड़ी के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं जल्द से जल्द उस गाड़ी के ऊपर भी प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को वीडियो। और यहाँ पे दोस्तों मिल जाती है ड्राइवर सीट के नीचे स्टेपनी देख सकते हैं, जो काफ़ी जगह बच जाती है आपकी और कुछ इस प्रकार से देखने में मिल जाता है दोस्तों। अगर कुछ छूट गया हो कमेंट तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको भी आगे की वीडियो में उसको भी कवर करने का प्रयास करूँगा दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों इसका जो छत है ना, दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको, देखिए छत दो है, बिल्कुल भी आपको ढीली ढाली नहीं मिलती है, अच्छी खासी टाइट मिल जाती है छत दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों मैं पूरा दिखाने का आपको प्रयास करता हूँ। और दोस्तों आपको मैं थोड़ा ड्राइवर एरिया का मैं मीटर ऑन करके भी दिखाता हूँ आपको, तो चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे मीटर कुछ इस बार देखने के लिए मिलता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सभी चीज़ इसमें आपको शो करेगी, जो भी आपका गियर लगाएंगे, जो भी आप स्थिति करेंगे, सब चीज़ इसमें शो करेगा आपका। तो दोस्तों देख सकते हैं, और एक चीज़ और छूटा हुआ है दोस्तों इसका बैटरी का, तो मैं आपको बैटरी दिखाता हूँ यहाँ पे, जो लाइट और वाइपर की जो बैटरी है अलग से है इसकी, तो ये है लाइट और वाइपर की बैटरी दोस्तों। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और हो सके तो अपने यार दोस्तों का वीडियो शेयर कर दीजिएगा। रिव्यू जो है मैं इसका ओनर रिव्यू करने वाला हूँ, और कितना दिन हुआ है, कैसी चल रही है गाड़ी, सारा वीडियो में जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। और कितने की पड़ी है सारी डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए आप लोग। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सामने का प्रोफाइल कुछ इस पर देखने के लिए मिल जाता है आपको, यहाँ पे मिल जाता है आपको इंडिकेटर, यहाँ पे लाइट मिल जाती है। और यहाँ पे दोस्तों इसका जो रिजनरेटिव सिस्टम नहीं मिलता है, महिंद्रा की ट्रियो है, और यहाँ पे महिंद्रा का लोबो, यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह मिल जाती है, और यहाँ पे मिल जाता है आपको वाइपर, और इस साइड में वैसी प्रोफाइल मिल जाता है, और यहाँ पे आपको लोबो मिल जाता है महिंद्रा का लोबो, और ये नई वाली बैजिंग जो मिल जाती है, तो कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। दोस्तों वहीं पर बात करेंगे दोस्तों कितने की लिए हैं भैया गाड़ी, कितने की लिए हैं सर, और कितने किलोमीटर चल रही है, सारी बात करेंगे वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिएगा लाइक। तो देख सकते हैं दोस्तों साइड प्रोफाइल को इस बार देखने के लिए मिल जाता है आपको। और वहीं पे दोस्तों बात करेंगे सीट कैपेसिटी की, तो 3+1 ड्राइवर इतनी मिल जाती है आपको सीटिंग कैपेसिटी। और वहीं पर सर से पूछेंगे थोड़ा, ये साइड का मिरर मिल जाता है, और मीटर कुछ इस बार देखने के लिए मिल जाता है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं मीटर कुछ इस बार देखने के लिए मिल जाता है। तो सर आपसे ये पूछना चाहेंगे हम कि आप गाड़ी कितने साल हुए लिए? दो साल हो गया। दो साल में गाड़ी में क्या क्या दिक्कत आई है, कोई दिक्कत आई प्रॉब्लम? छोटा बैटरी का, छोटा वाला पीछे जो बैटरी रहता है वो इसका मीटर का रहता है ना, हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत, वो ख़राब हो गए थे, तो सर्विस सेंटर से बना के दिए थे कि आपको अलग से पैसा देना पड़ा आपको? और आप ये कितने की गाड़ी लिए थे? हाँ, नवा डाले पैसा दिए थे, हाँ। कितने की पड़ी थी वो? 2200 रुपये की पड़ी थी दोस्तों, पीछे वाली जो बैटरी जो होती है छोटी वाली, और यहाँ पे बड़ी वाली बैटरी मिल जाती है आपको। तो सर ये पूछना चाहेंगे आपसे, ये गाड़ी कितना किलोमीटर चलती है वन चार्ज में? चार्ज में लोकल में तो 100 किलोमीटर आता है। 100 किलोमीटर लगेज में चले तो 80 किलोमीटर तो पक्का। जी जी जी, 80 किलोमीटर दोस्तों बताना चाहेंगे कि 80 किलोमीटर चलती है गाड़ी, और सवारी में चलेंगे तो 100 किलोमीटर चलती है, अगर लगेज में तो 80 किलोमीटर, यानी कि 80 का एवरेज धर लीजिए आप मोटा मोटी, हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों सीट की प्रोफाइल कुछ इस पार से देखने को मिल जाती है, यहाँ से ओपन करने के लिए मिल जाता है आपको, तो कुछ इस पार से ओपन हो जाता है, और
यहाँ पे सीट बनवा रखे हैं सर, और यहाँ पे देखने को मिल जाती है आपको स्टेपनी, और साइड में स्टील का जो बनवा रखे हैं ये भी हम पूछना चाहेंगे। तो सर ये साइड में जो स्टील लगवा रखे हैं आप, ये कितने का लगवाए थे? और ये सीट अलग से लगवाए हैं कि वही? ये सीट अलग है, ये अलग है। वो कितना का पड़ा और ये कितना का पड़ा? 1500 का ये पड़ा। वो सभी मिला के, दोनों मिला के दोस्तों 1500 रुपये पड़ा है। देख सकते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा 2 साल हो चुका है तो थोड़ा डैमेज हो चुका है सीट। और हाँ, तो देख सकते हैं दोस्तों साइड का प्रोफाइल कुछ इस पास देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको चढ़ने के लिए देखते हैं, यहाँ पे हैंडल, ग्रिप हैंडल मिल जाता है। और पीछे का प्रोफाइल की बात कर लिया दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ इलेक्ट्रिक की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे इंडिकेटर और ब्रेक लाइट, और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जो कंपनी की तरफ से मिलता है जो सपोर्ट, ये मिल जाता है आपको। यहाँ पे एक लाइट मिल जाती है जो नंबर प्लेट के लिए, और यहाँ पे महिंद्रा की बैजिंग मिल जाती है, और यहाँ पे ट्रियो की बैजिंग मिल जाती है दोस्तों। और कुछ इस बार से देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। और यहाँ पे इस साइड की प्रोफाइल की बात करेंगे दोस्तों, तो देख सकते हैं इस साइड की प्रोफाइल कुछ इस बार देखने के लिए मिल जाता है। तो सर ये बताइए हमें, ये गाड़ी आप कितने के लिए थे? डाउन पेमेंट 40 पर 7000 बने हैं। 47000 रुपये डाउन पेमेंट, और इस पर 6 महीने कंत बनाए, 36 महीने की किस्त बनाए। तो टोटल कितने की पड़ गई थी आपको? देखो 10000 से बनते हैं। 10000 से महीने तो 10000। हाँ, तो जैसे बता रहे हैं सर कि 46-47000 रुपये जमा किए थे और 36 महीने किस्त थी 10000 रुपये के हिसाब से, तो वो लोग आप लोग काउंटिंग कर सकते हैं। और देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से सामने का जो, और यहाँ पे मैं ब्रेक दिखाना चाहूँगा आपको, तो उस साइड से आप, तो इस साइड से मैं आपको ब्रेक दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हैंड ब्रेक मिल जाता है, और यहाँ पे ब्रेक मिल जाता है, और यहाँ पे ब्रेक ऑयल जो होता है वो जो रहता है वो नहीं इसमें क्या? हाँ, ब्रेक ऑयल। अच्छा, यहाँ पे लगा हुआ है ब्रेक ऑयल, देख सकते हैं। और यहाँ पे चाबी के लिए, और यहाँ पे बूस्ट मोड, और ये इको मोड, दो मोड मिलते हैं। और ये क्या है? ऑन करने के लिए, और ऑन ऑफ रिवर्स, तीन यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है। और ये क्या है? ये बड़ा लाइट का है। हाँ, क्या इंडिकेटर का है? ये आरन है। हाँ, तो ये बड़ी लाइट का है दोस्तों, फोकलैम्प का है क्या? हाँ, वो डिपर जो होता है उसके लिए है। और यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सामान रखने के लिए मिल जाता है बॉक्स, एक यहाँ पे लोग भी कर सकते हैं। और साइड का जो मिरर मिल जाता है आपको, गोल्ड टाइप का मिल जाता है, और काफ़ी हल्का है लेकिन काफ़ी मजबूती से है कि नहीं? मजबूत, अच्छा है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पकड़ने के लिए ग्रिप हैंडल मिल जाता है जो सवारी बैठती हैं। और इसमें पीछे स्पेस नहीं मिलता है, क्योंकि पीछे स्पेस नहीं मिलता है इसमें, क्योंकि यहाँ पे सीट थोड़ा पीछे करवा के सीट यहाँ पे लग जाती है दूसरी सीट। तो कुछ इस प्रकार से था दोस्तों वीडियो। और दोस्तों अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो कर दीजिएगा लाइक। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आशा करता हूँ दोस्तों सारी जानकारी मैंने आपको वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया हूँ, और इसका मैं आप लोगों को हर बार यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जो रिफ्लेक्टर मिलता है, और जो भी आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो कर दीजिएगा लाइक। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।